हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल जोरियाक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लीब्राज के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लीब्रा है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। बट याद रखना, लीब्रा ये एक जनरल रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जून 1st से लेके जून 15th 2021 के लिए। एंड ऑल्सो पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप नीचे जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट लीब्रा। देखते हैं जून, आपका लव सिचुएशन फॉर जून 2021। एट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, वेट अ मिनट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लीब्रा लीब्रा, Why Libra? Queen of Cups. Why are you running away? क्यों भाग रहे हो? Wheel of Fortune. Nine of Pentacles. Okay. Wow. Bottom deck energy is the Devil card. Of course. So Libra, I feel that आप भाग रहे हो. टू बी ऑनेस्ट, आप भाग रहे हो बिकॉज आपको लगता है ये इमोशन, प्यार, ये सब बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ें हैं एंड ये सब आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर सकता है इंसान को प्यार, है ना? बट आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आप भाग रहे हो उससे क्या इमोशंस चले जाएंगे, उससे क्या ये पर्सन याद आना बंद कर देंगे? नो, नहीं। सो आपको बेसिकली इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इमोशन वगैरह बंद कर देते हैं, ना ही कुछ फील करेंगे, ना ही फ़र्क पड़ेगा। एंड आप सोच रहे हो कि आप बस अपना एनर्जी थोड़ा सा, इस वक्त आप थोड़ा सा प्लेयर वाइब में हो, जो लोग स्पेशली सिंगल हो या रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एंड समथिंग, एंड आप थोड़ा सा लाइक उस एनर्जी में हो, मे बी आप अपना ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, मे बी आप नए लोगों से मिल रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, या यू जस्ट हैंगिंग आउट। सो आपको लग रहा है अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे आप भूल सकते हो, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो इमोशन है वो क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। बट डीप इनसाइड लिब्रा ऐसा नहीं होता है। डीप इनसाइड आपको आपको फेस करना है उस सिचुएशन को, आपको फेस करना है उस इमोशन को। आई एम नॉट सेइंग कि आप ज़बरदस्ती है कि आप जाओ उस पर्सन के पास, नहीं, बट खुद को फेस करो, भागो मत, भागने से कुछ नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे मुझे दो तरीके के लोग दिख रहे हैं। एक तरीके के लोग हैं जो लोग अपने लाइफ में खुद सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं एंड आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुड, वेरी नाइस। बट द प्रॉब्लम इज वो ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो। आप जैसे ही अपने इमोशन, अपने ब्लॉकेजेस, अपने प्रॉब्लम्स, शैडो साइड, फियर्स को का सामना करेंगे, आप उतना ही जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आप उतना ही जल्दी से हील होंगे, आप उतना ही स्मूदली अपने अबंडेंस, अपना स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते रहेंगे। एंड आप जितना भागते रहोगे वो उतना ही आपका पीछा करता रहेगा। नाउ द सेकंड टाइप के लीब्रा जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वो है जो इमोशनली कनेक्टेड है एक पर्सन से। उस पर्सन को आप दिल से चाहते तो हो बट आप वो स्वीकार नहीं कर सकते। आपको लगता है नहीं, वो पर्सन, अरे उसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने वैसा किया था, ये तो एकदम नहीं है। कौन बोला कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, कौन बोला कि ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे तो इमोशन ही नहीं है, मेरा तो हार्ट ही नहीं है।
हैपेंस, ये आपका कोई प्रॉब्लम, लाइक मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ लिब्रा, बट इट हैपेंस एंड यू नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द डेविल एनर्जी. आप लोग अभी भी जुड़े हुए हो, सो आपको क्या करना है, आपको फेस करना है. डिसीजन आपका है कि आप कंटिन्यू करोगे, आप चाहते हो इस रिलेशन को, या आप कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो. वो डिसीजन एकदम आपका ही है लिब्रा, बट स्पिरिट इज सेइंग आपके स्टेबिलिटी को पाने के लिए आपको फेस करना है, प्रॉब्लम को फेस करना है, सोचना है, देखना है, भागना नहीं है. ठीक है, आपने इमोशन को ओपन करना है, क्लोज नहीं करना है. देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है लिब्रा. या सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन. इस पर्सन को पता ही नहीं है आप एक्चुअली में फील क्या करते हो. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार. ओके ओके, इंटरेस्टिंग. हर्मिट, देर इज सम काइंड ऑफ अ मिररिंग जो आप लोग कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली. एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, सो आपके जो पर्सन, आई एम नॉट जोकिंग लिब्रा, आई एम नॉट जोकिंग. मैंने इतना बार शफल किया है, बट बॉटम डेक एनर्जी आपके पर्सन के लिए भी द डेविल कार्ड है. आई डोंट नो, देर इज अ लॉट ऑफ एक्शन. मे बी आप लोग कार्मिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, कार्मा अभी भी बाकी है आप दोनों में. वो कुछ लोगों के लिए है, बाकियों के लिए अभी भी एक बॉन्ड है, एक इमोशनल बॉन्ड है जो आप अभी भी है आप दोनों के बीच में. एनीवेज, आपकी पर्सन की ओवरऑल जो एनर्जी है लिब्रा, दैट इज़ ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर आप क्या चाहते हो. क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हो? क्या आप अभी मूव ऑन कर चुके हो? क्या आप सोचते हो इनके बारे में? क्या नहीं सोचते हो? क्या आप जो बोलते हो आप सच में वो फील करते हो? सो यहाँ पर बहुत सारा सवाल है जो आपके पर्सन के मन में है आपके बारे में. तो आई डोंट नो कि आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो या नहीं हो. बहुत लोगों के लिए आप नहीं हो, बहुत लोगों के लिए आप हो, बट बहुत कम कांटेक्ट होता है आप दोनों में. एंड वो चीज़ इस पर्सन को और भी कंफ्यूज करता है कि आप आखिर चाहते क्या हो. नाउ आई सी दिस पर्सन आल्सो इज समबडी जो धीरे धीरे अपने ऑप्शंस को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं या लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है जिस जगह पर इतना कन्फ्यूशन है उस जगह पे ये कुछ डिसीशन नहीं ले सकते, या उस जगह पे उस सिचुएशन में कितना दिन बैठेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है उनके लिए. बट ये पर्सन लिब्रा, द गुड थिंग इज़ ये भाग नहीं रहे हैं. ये पर्सन आपके सिचुएशन से भी होप रखते हैं कि अगर कभी ऐसा पॉसिबल हुआ तो मे बी लिब्रा वापस आ जाएगा, या मे बी मेरे और लिब्रा के साथ कुछ हो सकता है फ्यूचर में, अगर पॉसिबल हुआ, अगर डेस्टिनी ने चाहा, अगर यूनिवर्स ने चाहा तो. सो आपके पर्सन उस एनर्जी में है, बट जब तक ये नहीं हो जाता तब तक क्या मैं लिब्रा के लिए चुपचाप बैठ के वेट करूँगी या करूँगा? नहीं, तब तक आई विल मूव इन माई लाइफ. मैं आगे बढ़ूँगी, मैं अपना काम करूँगी. मे बी आई ओपन माई ऑप्शंस, आई ऑल्सो हैव फन, आई मेक न्यू मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, अपने स्टेबिलिटी पे वर्क करूँगी, अपना बैलेंस ढूंढूंगी लाइफ में. आई डू माय थिंग, एंड उसके बाद अगर कभी ऐसा हुआ कि लिब्रा वापस आएगा तो आएगा, अगर कभी डेस्टिनी ने चाहा हम, मैं और लिब्रा एक साथ आएंगे तो आएंगे. दैट इज़ दी एनर्जी. ठीक है, बट आई डोंट फील ये पर्सन आपको खोना चाहता है या चाहती है. ये पर्सन अभी भी, देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी कनेक्टेड. ठीक है, एनर्जेटिक बॉन्ड्स है जो अभी भी है आप दोनों में. एंड डीप इनसाइड लिब्रा, ये पर्सन आज भी चाहते हैं कि आप वापस आ जाए, आप मूवमेंट एक्शन दिखाए, या कोई मूवमेंट एक्शन हो, या ये खुद मूवमेंट या एक्शन लाए इस सिचुएशन में, जो कि ये इवेंचुअली करने वाले हैं. आई फील कुछ लोगों के लिए दैट धीरे धीरे बहुत टाइम बाद फ्यूचर में ये पर्सन खुद ही शायद कोई एक्शन लेंगे अगर आपने नहीं लिया तो. बट बाकियों के लिए आई थिंक ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन लेंगे या नहीं. सो जो भी है, ये पर्सन काइंड ऑफ अभी भी चाहते हैं डीप इनसाइड कि
काश आप दोनों में एक सेकेंड चांस हो, काश आप दोनों में फिर से कुछ हो, यू नो. अगर ये नया पर्सन है देन इस पर्सन को लगता है काश आप दोनों में कुछ स्टार्ट हो नया. सो दैट इज़ द एनर्जी कि ये 100% गिव अप नहीं कर चुके हैं लिब्रा, ना ही ये भाग रहे हैं, बट ये बस अपने काम से काम रख रहे हैं. एट द सेम टाइम ये थोड़ा बहुत आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं. बट अगर आपको लगता है कि अगर ये इंतज़ार कर रहे हैं देन ये खुद से कुछ क्यों नहीं करते, खुद से एक्शन क्यों नहीं ले, बिकॉज़ ये कन्फ्यूज है, बिकॉज इनको पता नहीं है कि क्या वो लेना सही डिसीजन होगा, क्या अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपका क्या रिएक्शन होगा. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व. सो आई थिंक या तो आप लेके देख सकते हो एक्शन, या आप वेट कर सकते हो, या आप मूव ऑन कर सकते हो. इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. ठीक है. मैं अगर जोडियाक्स की यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास है वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, यस, पाइसीज. ठीक है, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो. ओके, सो लीब्रा, लेट्स मूव ऑन. लेट्स मूव ऑन एंड सी कि आप अपने करियर फाइनेंसेस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. फ्यूचर, करियर एंड फाइनेंसेस. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय लीब्रास. ओके, द मून. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. आई एम हियरिंग कॉपी, कॉपिंग. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटिफुल. टू ऑफ कप्स, या थ्री ऑफ कप्स, वाओ. ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ. ब्यूटिफुल लिब्रा, ब्यूटिफुल एनर्जी. ओके, सो करियर फाइनेंसेस. आई डेफिनेटली सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, देर इज़ अ सेलिब्रेशन, सक्सेस स्टोरी जो आ रहा है आपके लिए. ठीक है, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. आई एम ऑल्सो हियरिंग स्पिरिट इज डिमांडिंग मोर, समथिंग मोर फ्रॉम यू. सो मे बी ज़्यादा डेडिकेशन, ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा ट्रस्ट, फेथ. बट स्पिरिट आपसे कुछ मांग रहा है कि बिकॉज स्पिरिट कहना चाहता है कि आप एक नया लेवल में पहुंचने वाले हो अपने लाइफ में, अपने करियर या फाइनेंसेस में. सो आपको उतना लेवल का ही एफर्ट देना पड़ेगा, आपको उतना लेवल का ही डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा अपने काम और अपने पैसा या जो भी है उसके खिलाफ, लाइक उसके लिए, नॉट खिलाफ. बिकॉज आप इस वक्त जिस लेवल पे हो, आप ऑब्वियसली उसके, लाइक जब आप क्लास, लाइक मे बी आप जब क्लास वन से क्लास टू में जाते हो, या क्लास वन से आप जब क्लास फोर में जाते हो, ऑब्वियसली आपका पढ़ाई बढ़ता है, आपका सिलेबस बढ़ता है, आपके प्रेशर बढ़ते हैं. सो वही, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पाओगे लाइफ में तो आपको एक्स्ट्रा देना भी पड़ेगा. बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आप जो पाने वाले हो, जो आने वाला है ब्लेसिंग, जो लेवल, नया लेवल खुलने वाला है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, एंड वो आपको लाइफ में बहुत सारा आपके विशेस ट्रू कर सकते हैं. सो ये बहुत ही हाई फाई लेवल है. ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ हो गया, नहीं, ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज है, बड़ा ब्लेसिंग है. बट व्हाट आई सी हियर लीब्रा इज दैट सक्सेस तो तय है, बट आई एम हियरिंग द वर्ड कॉपी. आप किसी को कॉपी कर रहे हो या कोई आपको कॉपी कर रहा है यहाँ पे. आई डोंट नो हु इज कॉपिंग हु, बट आई फील स्पिरिट इज सेइंग दैट. आई जस्ट हर हर रात के बाद दिन आता है. आई डोंट नो, ये अगर आपको सुनना था, दिस इज़ अ मैसेज. हर रात के बाद दिन आता है लिब्रा, एंड आई फील हियर विद द कॉपिंग सिचुएशन कि आई डोंट नो, अगर आपको लगता है कोई आपका कॉपी कर रहा है एंड आप नहीं चाहते हो, देन मे बी लुक अराउंड, बिकॉज ये जो भी है आपका कॉपी करता हुआ या करती हुई, जो भी इंसान है, ये आपके आसपास ही है, ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है, इसको आप ऑलरेडी जानते हो. या फिर ये आपके कंपिटिटर है, आपके कलीग है, आपके क्लासमेट है, जो आपको कॉपी करके लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं. सो
बी श्योर अबाउट इट। कुछ लोगों को यहाँ पे डर है कि बाकी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं एंड आप पीछे हो रहे हो, या आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो। उन लोगों के लिए स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो, आज मे बी आपको लग रहा है आप पीछे हो, पीछे छूट गए हो, आगे बाकी लोग आगे निकल रहे हैं, अच्छे अच्छी चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, बट लिब्रा ऑलवेज रिमेंबर कि ये टेम्पररी फेज है। आप मेहनत करोगे, आप भी आगे जाओगे। आपका बिगेस्ट कंपटीशन आप खुद है लिब्रा, कोई और नहीं है। अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो कि उसके लाइफ में ऐसा है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं है, मैंने भी मेहनत किया है, मैंने भी ये किया है। सो लिब्रा, बिकॉज हर किसी का जर्नी डिफरेंट है, हर किसी का स्टोरी डिफरेंट है, वो पर्सन अपने लाइफ में, अपने जर्नी में किस मोड़ पे खड़ा है वो मैटर करता है। मे बी आपका लाइफ स्टोरी डिफरेंट है, आपका लाइफ का जर्नी डिफरेंट है, आपके लाइफ का पर्पस डिफरेंट है। सो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया है इसीलिए आपको भी करना है, या किसी के साथ आपको कम्पीट करना है। मे बी कुछ लोग यहाँ पे आपके घर वाले चाहते हैं कि आप अपने मे बी यू नो शर्मा जी का बेटा टाइप सिचुएशन, कि उस पड़ोसी के बेटे ने ऐसा किया था, आपको भी करना है, तुमने भी साइंस लिया है, तुम भी क्यों इंजीनियरिंग नहीं करते हो, काइंड ऑफ अ सिचुएशन हर किसी के साथ होता है। सो दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज सेइंग कि गो विथ द फ्लो, आपको जो पसंद है आप वही करोगे। अगर आपको लगता है आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आप नहीं करोगे। ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो बट वो शर्मा जी का बेटा बहुत इंटेलिजेंट है आपसे, वो तो बहुत कुछ कर गया, आप नहीं कर पाए, ठीक है, आज नहीं कर पाए कल कर लेंगे लीब्रा। डोंट वरी, डोंट कंपेयर, प्रेशराइज मत करो खुद को कि मुझे कम्पीट करना है, मुझे करना। कंपटीशन अच्छा होता है, बट जो जो कंपटीशन आपको एनजाइटी में डालता है, आपको डाउटफुल केस, लाइक आप खुद पे डाउट करने लगते हो जिस कंपटीशन से, वो कंपटीशन अच्छा नहीं होता है। हेल्दी कंपीट करना है, हेल्दी कंपटीशन करो, खुद से कंपटीशन करो। ऐसा नहीं है कि आप लाइक काबिल नहीं हो, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। एंड समथिंग बिग इज़ कमिंग, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, मनी, नेक्स्ट लेवल, प्रमोशन, आई डोंट नो व्हाट, बट समथिंग इज़ कमिंग। इस वक्त जिस लेवल में हो उससे भी ज़्यादा। आई ऑल्सो सी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फिनेंशियली या करियर वाइज। हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो, अकेले रहने वाले हो कुछ लोग, या फिर आप बहुत दिनों से खुद का लाइक खुद कमाना चाहते थे, नौकरी बिजनेस जो भी हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे गेमिंग करते हो, आई फील गेमर्स हो आप, गेमिंग करके पैसा कमा रहे हो, आपका ये सपना है। आई सी दैट हैपनिंग फॉर सम ऑफ यू। आई एम सीइंग अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो सकता है आपका, और आई डोंट नो, आई मुझे रेस्टोरेंट दिख रहा है, दिस कैन बी दैट आप कोई डील फाइनलाइज कर रहे हो किसी रेस्टोरेंट में। या आई एम सीइंग अ रेस्टोरेंट। एनीवेज डोंट वरी अबाउट इट। सो व्हाट इज व्हाट एवर इज किसी लाइक मे बी आप रिसेंटली रेस्टोरेंट विजिट किए थे या करने वाले हो, डजेंट मैटर। सो दैट इज़ वेरी नाइस लिब्रा, दैट इज़ व्हाट इज कमिंग फॉर यू, एंड बी प्रिपेयर्ड एंड बी हैप्पी। खुद से कम्पीट करो, डू नॉट वरी। आज आपका समय नहीं है तो क्या हुआ, कल आपका समय आ सकता है, एंड आप आने भी वाला है। आई डोंट थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम भी डिप्रेस्ड हो, बट आई थिंक थोड़ा बहुत आपको कम्प्लेक्स हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको कम्पीट कर रहे हो आप, या आपके आसपास के लोग मजबूर कर रहे हैं आपको कम्पीट करने से, करने के लिए। बट डोंट वरी, अपने कम्फर्टेबल वे में कम्पीट करो, ज़बरदस्ती नहीं है, खुद पे प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। थीफ नंबर 24, अच्छा है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है। 24 के बाद ही 25 है, हाई ऑनर। ओके, डिस्पेयर नंबर 32, कॉफिन नंबर 19। आई थिंक ये कार्ड्स जेमिनाई के लिए आए थे। नंबर 27 आपका बॉटम डेक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो हम लोग देखे थे आपके करियर में, कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग इनकम आने वाला है।
ओके सो लेट्स सी कि आपके लिए मैसेज क्या है यूनिवर्सल. अगेन लीब्रा, ये यूनिवर्सल मैसेजेस है. सो ये आपके लाइफ में आपका हेल्थ, करियर, फाइनेंस, लव, फ्रेंडशिप, रिलेशन, फैमिली, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है. सो व्हाट आर द मैसेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द थीफ एनर्जी आई फील दैट ओ पीपल पीपल आर गॉसिपिंग, कॉपिंग. हो सकता है कोई आपको कॉपी कर रहा है, जैसा हम लोग देख रहे थे आपके करियर में. नाउ नेसेसरी नहीं है कि ये पर्सन आपको आपके करियर में ही कॉपी कर रहे हैं. हो सकता है ये किसी भी चीज़ में आपको कॉपी कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो जिनका इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए, जो मे बी आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो मे बी आपसे कुछ लेना चाहते हैं बट बदले में कुछ देना नहीं चाहते. और समबडी जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं या आपके पीठ पीछे जासूसी कर रहे हैं. आई एम हियरिंग जासूसी, आई डोंट नो वाई, बट ऐसे लोग हैं जो हर कोई आपके लाइफ में आपके लिए अच्छा इंटेंशन नहीं रख रहा है लीब्रा. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फाइंड आउट करें कि वो कौन है, बिकॉज वो जो भी है वो आपके जान पहचान का ही है. मे बी वो आपके आइडियाज़ चुराता है, मे बी वो आपके सामने ऐसा बनता है कि वो आपका फ्रेंड है या बहुत वेल विशर है, बट पीठ पीछे गॉसिप करता है. मे बी वो इसलिए आपके लाइफ में है ताकि वो आपसे यूज़ ले, लाइक आपको यूज़ कर पाए फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, आई डोंट नो हाउ. ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो एंड आप किस लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो. ठीक है, देन आई हैव योर हाई ऑनर. सो आई डोंट नो, लाइक समबडी, लाइक आई डोंट नो, लाइक आप स्पिरिट इज सेइंग कि आपका जो वीकनेस है वो किसी को बताना नहीं है आपको. ठीक है, ये सही टाइम नहीं है कि आप ओपन अप करें. आई डोंट नो वाई आई एम हियरिंग दिस, बट मे बी आपने डिसीजन लिया है ओपन अप करने का, या आप चाहते हो ओपन अप करना किसी के सामने, किसी फ्रेंड हो, फैमिली, रिलेटिव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, एनीबॉडी. बट स्पिरिट इज सेइंग ये सही टाइम नहीं है ओपन अप करने के लिए, बिकॉज आपको खुद ही पता नहीं है कि कौन किसका क्या मकसद है आपके लाइफ में. आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई जो आपके लाइफ में है वो बुरे हैं, नो, बट अगर आपके लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी है, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो सीक्रेट है, जो आपका शैडो साइड है, जो आपका फियर है, जो आपका वीक पॉइंट है, ये बेस्ट रहेगा लीब्रा कि इस वक्त आप उसको छुपा के रखें. इस वक्त आप बस उतना ओपन सोशल मत हो जाना कि आप बताते फिर रहे हो. नहीं, आई ऑल्सो फील हियर दैट देर इज़ समथिंग दैट जो आप होल्ड ऑन कर रहे हो फ्रॉम द पास्ट, जो ख़त्म हो चुका है, जो इज़ डन, इट्स ओवर, बट आप फिर भी होल्ड ऑन कर रहे हो, आप फिर भी बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो. या तो आप गिल्टी फील करते हो, या तो आप डिप्रेस फील करते हो, या तो आप रिग्रेट करते हो कि अरे मैंने, लाइक मैं कितना बुद्धू था, मैंने ये कर दिया, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्यों नहीं किया, मेरा पास्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ किया है. जो भी ये चीज़ है लीब्रा, या कोई एक्सपीरियंस है जो आपको हर्ट किया था पास्ट में, इट इज़ टाइम टू लेट दैट गो. या तो उस इंसान को जाने दो, या तो उस एक्सपीरियंस को, उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, उस नेगेटिव पैटर्न को, जो भी ये चीज़ है या इंसान है या जो भी है अपने पास्ट से जो आप ज़बरदस्ती होल्ड ऑन कर रहे हो, उसको जाने दो. बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये आपके लिए डिस्पेयर, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपके एनर्जी को ये भारी बना रहा है लीब्रा. एंड ट्रस्ट मी, आप वो नहीं चाहते हो, कोई भी वो नहीं चाहता है. एंड ये क्या चीज़ है ये ऑलरेडी आपको पता है, ये कौन इंसान है ये भी आपको ऑलरेडी पता है. सो इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, थोड़ा सा टाइम लेके सोचो कि आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ क्या है, पॉजिटिव क्या है. क्या नेगेटिव है जो आप होल्ड ऑन कर रहे हो, क्या नेगेटिव है जो चला गया है आपके लाइफ से, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं जाके कनेक्टेड हो उस चीज़ से, उस इंसान से, उस घटना से, उस जो भी सिचुएशन एक्सपीरियंस से. ठीक है, फाइंड इट आउट, फाइंड इट आउट एंड लेट इट गो. रिलीज इट, रिलीज द नेगेटिविटी एंड यू विल सी हैप्पीनेस. एंड बी स्ट्रॉन्ग. अंधाधुन ट्रस्ट नहीं करना है लोगों को, अंधाधुन अपना सीक्रेट, अपना वीक पॉइंट शेयर नहीं करना है लोगों से. ठीक है, बिकॉज इस वक्त अगर आप दिखाओगे कि अरे मैं वीक हूँ, अरे मैं दुखी हूँ, अरे ये है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, आई थिंक कुछ ऐसे लोग हैं लीब्रा जो उस चीज़ को गॉसिप बना देंगे, उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, बट आपके सामने दिखाएंगे कि अरे हम भी तो कितने दुखी है कि तुम दुखी हो, इसलिए यू नो.
आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ऐसा है, नॉट नेसेसरी, कुछ लोग हैं. एंड दिस इज द टाइम टू फाइट, इज ऑल्सो समथिंग कमिंग अप. ये टाइम है, यू नो, हल्ला बोलने का अपने लाइफ में. डट के सामना करो, दैट इज ऑल्सो आई एम हियरिंग, डट के सामना करो, छुप मत जाओ, गिरो मत. अगर गिर गए हो वापस उठो, बिकॉज यू हैव समथिंग जो बहुत लोगों में नहीं है. एंड इसीलिए लोग गॉसिप करते हैं, जब लोगों को पता होता है कि अरे लिब्रा में ये चीज़ है जो हम में नहीं है, इसीलिए लोग जाके बोलते हैं, क्योंकि नीचा दिखाना है ना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप उन लोगों से ऊपर हो, तो ज़बरदस्ती आपको नीचा, लाइक नीचे खींच के लाना ही है. उस चीज़ को होने मत दो, उन लोगों के जाल में मत फंसो, आगे बढ़ते रहो, हल्ला बोलो, फाइट करो, बिंदास जियो, ठीक है, नो इश्यूज़. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिब्रा, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू. आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा, अच्छा लगेगा. अगर किया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.